पेज पे आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आता है, और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का नहीं, सब्सक्राइब करने का। तो फेसबुक पेज से ही कमाई आती है, मैंने बताया आप लोग को। रेगुलर पोस्ट डालना होता है उस पर। आप अपना कंटेंट अपना होना चाहिए, किसी का भी कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे वीडियो भी आप डालते हैं तो वो आपका अपना होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और म्यूजिक, जैसे म्यूजिक रील वगैरह हम लोग फेसबुक पे डालते हैं ना, तो पहले मैं भी डालती थी, तो मुझे ध्यान नहीं था कि ऐसा होगा। तो कोई भी गाना उठा के अपने फोटो के साथ डाल दिया, लेकिन वो सारे कॉपीराइट आ जाते हैं। आपको उसमें आपके लिए सजेस्ट किया हुआ गाना आता है कि आप अपने रील पे ये गाना लगा सकते हैं, तो उसी को लगाना है। और बाकी कोई भी गाना उठा के नहीं डालेंगे, डाल देंगे तो आपको कॉपीराइट करके वो। तो फेसबुक को हैंडल करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले मेरे में नहीं थी, अब आ गई है थोड़ा सा। तो सीखते सीखते जैसे जैसे आप काम करेंगे ना, उस पर उतना ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। तो YouTube हो, Facebook हो, उस पर धीरे धीरे सीखना पड़ता है। अब जैसे YouTube पे हमें 1 घंटा लाइव करना चाहिए, बट रेगुलर मैं नहीं आ पाती हूँ टाइम की कमी की वजह से। लेकिन ऐसे ही आप लाइव कर सकते हैं, लाइव करके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैनल हमारा अभी ये मोनेटाइज नहीं है। मेरा जो न्यूज़ चैनल है वो मैं कई सालों से चला रही हूँ, 5-6 सालों से मैं न्यूज़ चैनल को चला रही हूँ, वो भी मोनेटाइज नहीं है। वो उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे कॉपीराइट कंटेंट डाले हैं। जैसे कि न्यूज़ तो मैंने कवरेज करके डाली ही, साथ में उसमें जो सॉन्ग सॉन्ग कहीं से बैकग्राउंड सॉन्ग आ गए, कुछ ऐसे वीडियो आ गए जो वायरल वीडियो हैं, वो पहले जैसे मैंने डाल दिया, गलतियाँ कर दी हैं, तो उसकी वजह से वो अभी मोनेटाइज नहीं है। पर उसमें सब्सक्राइबर काफ़ी हैं, 5,000 तकरीबन होंगे, याद भी नहीं है। तो फिलहाल ये ब्लॉग चैनल है मेरा, और इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसा कॉपीराइट वगैरह नहीं आए, नहीं भी आएगा। आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम को चलाते हैं, तो अगर उसमें आप कुछ वैसा फ़ोटो डाल दिया, जैसे कोई मरा है, कोई कटा पिटा है, इस तरह की वीडियो फ़ोटो आप डालते हैं, तो उस पर भी आपको स्ट्राइक आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बताने वाली थी कि फेसबुक से मेरी पेमेंट आई है, बहुत ज़्यादा नहीं आई है, पर बताने लायक भी नहीं है इतनी ज़्यादा बताने लायक भी नहीं है। बस हाँ, इनवॉइस आया है, मेल पे आया है, हमारे अकाउंट में भी आया है, बट बताने लायक नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही आया है। जब ऐसा ही आएगा, बताने लायक आएगा, फिर मैं बताऊँगी। लेकिन हाँ, पेमेंट आती है, बस इतना श्योर कर दूँ। उसको भी बड़े धैर्य के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फेसबुक को बहुत धैर्य के साथ आप लगातार कंटेंट डालते रहिए। अपने टारगेट्स, वो फेसबुक मेटा के साथ ऐड हो गया है, तो मेटा वाला जो है आपको सजेस्ट करता है कि आपको ये रील डालना है, आपको ये डालना है, आपको डेली इतने टारगेट पूरे करने हैं, वीकली इतने चैलेंज होते हैं, वो सारे पूरा करने के बाद आप जो है कैटेगरी में आ जाते हैं मोनेटाइजेशन के। और उसके बाद आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आते जाएगा। जैसे जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे, क्या बोलते हैं ये, इंटरनेट नहीं, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर जितना डीपली आप जाते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और उतनी ही ज़्यादा जानकारी हो मिलती है। तो अभी मेटा का है, गुड़गांव में एक वो होने वाला है, कॉन्क्लेव होने वाला है, जैसे बोलते हैं मीटिंग टाइप की। जितना जितना इन्फ्लुएंसर हैं, जितना यूट्यूबर हैं, उन सब लोगों का एक इवेंट होने वाला है। उसमें हमारे पे मेल आया था कि आप इसको फिल कर दीजिए और ज्वाइन करिए, तो मैंने फिल कर दिया है, गुड़गांव में होने वाला है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग भी, ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास आया है तो। और उससे क्या होता है कि एक दूसरे को हम जानते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम आते ही रहते हैं।
लाइफ टुगेदर में भी आप लोग, हाँ,